बांदीकुई शहर में बेकाबू रेगिस्तानी जहाज ने मचाया उत्पात। नंदेरा में नगर पालिका कर्मियों ने पाया काबू, डॉक्टरों की टीम ने किया इलाज। बांदीकुई शहर में गुरुवार दोपहर रेगिस्तानी जहाज ऊंट लोगों के लिए दहशत बनकर आया। बाजार में बच्चे, महिला, बुजुर्ग सहित राहगीर भी अफरा तफरी और बहके साये में बाजार में देखने को मिली। दो लोग चोटिल भी होने के बाद अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट हो गया, पर गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोट या जनहानि नहीं हुई। इससे दो लोगों का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल प्रशासन ने छुट्टी दे दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। नगर पालिका विभाग ने पशुपालन विभाग की सूचना पर मौके पर पहुंचे चिकित्सकों ने ऊंट का इलाज किया। नंदेरा के पास ऊंट को नगर पालिका कर्मियों ने पकड़ लिया, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। बाइट पशु चिकित्सक मृगराज सैनी सिकंदरा साइड से आ रहा था। अब सिकंदरा के बाद में ये बांदीकुई में इसने एक दो लोगों को काटा है, ऐसी जानकारी मिली है कि इसने काटा भी है, परंतु अब ये चीज़ कंफर्म तो जिसको काटा है उन्हीं से हो सकती है। बाकी संभावना ये बन रही है कि ये ऊँट शायद रैबिट था और आखिर यहाँ पर आकर के फिर इसका जब पैर फ्रैक्चर हुआ है, इस तार में अड़ज करके इसका पैर टूट गया, जब ये कंट्रोल में आया है, अदरवाइज कंट्रोल में भी नहीं आता है। और मैं समझता हूँ एक्सेसिव ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। अब इसके जो डिस्पोजल का है तो नगर पालिका वालों को कार्य सौंपा गया है, वो गाड़ करके नमक डाल करके इसका अच्छा डिस्पोजल कर देंगे। क्यों भाई?